Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum kahan par hain? Aaj hum hain Fortescue shopping mall mein, jahan bahut zyada fun hone wala hai, bahut zyada masti hone wali hai. Logon ko Lahor news ki taraf se bahut sare inaam dene wale hain aur unka talent screen par lane wale hain. Aur wo khawateen जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप कह सकते हैं जिनसे अपनी खासियतें जो दुनिया को नहीं बता सकती, वो आज हमेशा मेरे प्रोग्राम बूझो तो जीतो में बताती आई हैं और मज़ीद बताएंगी. तो हम उन तमाम लोगों को आज फिर से मौका देंगे, क्योंकि लाहौर न्यूज़ आया है हमेशा की तरह बहुत बहुत सारे इनाम लेकर. तो इंतज़ार किस चीज़ का है, लोगों से बातें करते हैं, उनसे बड़े आज जो हैं वो मज़े के सवाल करते हैं. मज़े के इसलिए क्योंकि जो मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें मेरी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. वो खूब मेहनत करके ऐसे सवाल निकालते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके. तो उन्हीं सवालों से लोगों का इम्तिहान लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? महीन शेख. क्या करती हैं आप? BS ऑनर्स. कैसी जा रही है पढ़ाई? ठीक. बस ठीक क्यों जा रही है, थोड़ा सा आगे आओ. सिर्फ ठीक क्यों? ठीक नहीं, बहुत अच्छी. क्या नंबर आ जाते हैं आपके? 800 अबव. कितने में से? 11. अच्छा जी, तो बहुत अच्छी जा रही है. चलो जी सवाल करते, ठीक है? मुझे बताओ वो कौन सा पौधा है जो बिल्कुल इतना सा है मगर उसकी जो रूट्स हैं वो 613 किलोमीटर दूर तक हैं. इतना मुश्किल क्वेश्चन. इसके अलावा चलो कोशिश तो करो, वो कुछ छोटा सा होता है. रेड रोज. नो आंसर. चलिए मैं आपको मुश्किल सवाल से आसान सवाल पे ले आती हूँ, ठीक है? मुझे ये बता दो, आपसे आसान सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? पाकिस्तान. नहीं. अमेरिका. इंडिया. दुबई. सुनाओ क्या शेयर करूँ? मैं ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी. मैं आप सबसे एक ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी, वो ये है कि अगर किसी की स्किन इतनी ड्राई है और वो चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, तो वो अगर पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो एक टमाटर लें, उसको 5 to 10 minutes उसका जूस अपने फेस पे रब करें. इससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और बहुत ज़्यादा शाइन करेगी. 5 to 10 minutes इसको मसाज करना और 1 week बाद आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा. वेरी वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. आपने कभी ट्राई किया? मैं हर दफ़ा करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. ओके, ये आपको किसने बताई थी? मेरी सिस्टर ब्यूटिशियन है, उन्होंने बताया था. वेरी नाइस, थैंक यू. थैंक यू जी. इन्होंने जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो ब्यूटी टिप शेयर की है. नो डाउट जो टमाटर है, टमाटर कह लें या टमाटो कह लें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है. अच्छा आपको मैं एक बड़ी राज की बात बताऊँ, जितनी भी ये मज़ीद हमारे लिए जो खाने वाली चीज़ें हैं वो इसलिए खाने वाली हैं कि उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ है. तो अगर वो आपके खाने के लिए अच्छी हैं तो आपकी स्किन के लिए तो यकीनन बहुत अच्छी हैं. आपको पता है मैंगो जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. जब आप मैंगो खाएं तो जो मैंगो की वो है छिलके ले लें, या आप उसकी गुठली को ले लें और आप उसकी जो गुठली है वो अपने फेस पर आहिस्ता 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 जो है वो रब करें, तो वो एक झाग सी क्रिएट करेगी आपके फेस के ऊपर. और उसके बाद आप उसको वॉश करें तो आपके फेस में जितनी भी कमी है और उसको जितने भी पॉजिटिव आयरन की ज़रूरत है वो आपके फेस को मिल जाएगा. तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा. अब तो खैर आम का सीज़न नहीं है, लेकिन जब आम दोबारा आएगा तो उसको ट्राई करें, वरना जब तक है आप करेले के छिलके बहुत अच्छे हैं. जिन लोगों को एक्नी होती है वो लोग करेले के छिलके उनका पानी बना के लगाएं, टमाटर लगाएं, लेमन लगाएं, तो रिकवर हो जाएगा. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? आमना. आपका नाम? ज़ाहरा. मोहम्मद जैन. कौन से क्लास? 5 से 6. आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. और इनकी मामा. माशाल्लाह. दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? ऑलमोस्ट हमेशा बॉयज़. अच्छा दोनों लड़ते हैं आपस में? बहुत.
بیٹا کس بار پہ لڑائی ہوتی ہے؟ ریموٹ پہ ہوتی ہے؟ یس. اور کھانے پہ؟ نہیں. میں نے یہ بنوانا ہے آپ کے وہ بنوانا ہے. ہاں فرمائشی چینل تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ہمیشہ پوچھتے ہیں. میں پوچھتی ہوں ایک بار اور یہ دس بار بتاتے ہیں کہ یہ بنا رہے ہیں. زیادہ تر یہ لوگ کیا بنواتے ہیں آپ سے؟ بریانی، قورمہ، چائنیز. اچھا ماشاء اللہ. وہ شاید آپ کو صحت سے بھی اندازہ ہوگا. ماشاء اللہ. چلے جی مجھے بتائیں، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ گرم اور ٹھنڈے پانی میں سے کون سا زیادہ جلدی فریز ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا پانی. گرم. رائٹ آنسر، گرم پانی زیادہ جلدی فریز ہوتا ہے. کلیپنگ کریں. اچھا آپ ٹرائی کریے گا گھر جا کے، دو باؤل رکھیے گا، ایک میں گرم رکھیے گا اور ایک میں ٹھنڈا رکھیے گا، دیکھیے گا گرم جلدی فریز ہوگا. اوکے آپ لوگ کرنا ضرور ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے؟ چلے جی کیا سنانا ہے آپ نے؟ ادھر آؤ نا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ مٹھیاں گلا کر کڑی نہ مٹینا پتلا جد لکدی کمانی ہوا ہوا ہولی تو آ جا میرے کلوز ملتانا موقع روزا پانچ میں بھی بدل لبڑ یہ چاند روشن چہرا بالوں کا رنگ سنہرا کیسے دوں تیری آنکھیں آنکھوں پہ چشمے کا بہرا اس چشمے کو ہٹاؤ جی آنکھوں کے نشیلے سے آنکھوں کو ملاؤ جی افون تو اٹھاؤ جی ہیلو انکل نمسب کام کی بات پر آتے ہیں آپ کی بیٹی ایک مہینے میں کتنا پیسہ اڑاتی ہے اتنا میری گاڑی ایک میں تیل جاتی ہے گھر ہے پیسہ ہے گھر دو دنوں میں لڑکی بھیجو لڑکی. ویری نائس. اور آپ کا شعر؟ کچھ بھی شیئر کرنا گھریلو ٹوٹکوں میں سے تو سب کچھ ہی، ایون کہ ہر گھریلو عورت کو ہر طرح کی چیز پتہ ہوتی ہے، لیکن اسکن کے حوالے سے آئی تھنک دودھ اور ہل جتنا استعمال کریں اتنا ہی بہتر ہے، اس سے بہت اچھی اسکن ہوتی ہے. اچھا آپ ایسا کوئی ڈفرینٹ ڈش گھر میں بناتی ہیں جو ڈفرینٹ ہو، تھوڑی اچھی ہو بچوں کے لحاظ سے؟ عموماً نگیٹس وغیرہ ہی بنتے ہیں اور کیسے بناتی ہیں؟ بنتے ہیں نگیٹس میں جو ہے بریڈ کرمس یوز کرتی ہوں، چکن کا قیمہ یوز کرتی ہوں اور اس میں کالی مرچ، چائنیز نمک اور اس کو مکس کر کے اس کا ایک گدا سا بنا کے اور اس کے شیپ دے کے نگیٹس. فرائی کرنے کے لیے کچھ لگاتی ہوں؟ فرائی کرنے کے لیے کرمس وغیرہ، کرمس لگا کے. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے کیا؟ یو ویلکم. جی انہوں نے جو ہے وہ بچے نے سانگ سنایا اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ دودھ اور فروٹ جو ہیں وہ اسکن کے لیے بہت اچھے ہیں. نو ڈاؤٹ نیچرل چیزیں نیچرل ہی ہوتی ہیں، آپ بے شک اتنی بھی کریمز لگا لیں، جو آپ کو کھانے سے فرق پڑے گا نا، آپ بس کچھ بھی نہ کریں، آپ 8 گھنٹے سوئیں کم از کم اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کھانا کھائیں. اچھے طریقے سے کھانا کھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ بس کھاتے ہی جائیں، اچھے طریقے کا مطلب ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے وہ فلی کہتے نا پیٹ بھر کے کریں، دوپہر کا کھانا بھی اچھے سے کھائیں، رات کا کھانا جو ہے وہ آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں، یعنی کہ ابھی آپ کا پیٹ نہ بھرے اور آپ چھوڑ دیں کھانا، اتنا کھانا کھائیں. اور آپ پانی بہت زیادہ پئیں اور دودھ بھی پئیں، فروٹ بھی کھائیں، تو ماشاء اللہ آپ کی اسکن پیاری ہوگی، آپ کے بال ہیلدی ہوں گے. اور اگر آپ نے سچ میں خوبصورت ہونا ہے تو میں آپ کو یہ ازمائی ہوئی بات بتاؤں، آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں، واقعی میں بہت خوبصورت ہو جائیں گے. کسی اور سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شانواز. آپ کا نام؟ شدید. آپ کا نام؟ یادمان. کون سی کلاس میں ہو؟ 1. آپ کون سی کلاس میں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں. دونوں یہ بچے؟ یہ میرے ہیں. ماشاء اللہ. دونوں میں سے کون شرارتی زیادہ؟ یہ والا، چھوٹا والا. اور یہ والا؟ یہ ذرا سنسیئر ہے، یہ ذرا تھوڑا سا میرے پہ گیا. بڑی شرٹ تو بڑی یلو یلو، کہاں سے لی ہے؟ بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور آپ بڑے ڈیسنٹ لگ رہے ہیں جناب، کہاں سے لی ہے شرٹ؟ باہر سے لی ہے. چلے جی اوکے جی، سوال پوچھتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی جی. مجھے بتائیں آپ سے میرا سوال ہے کہ گرم اور ٹھنڈے پانی میں سے کون سا زیادہ جلدی فریز ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا پانی. گرم. ٹھنڈا. گرم. ادھر رائٹ آنسر. کلیپنگ کریں بھی ان کے لیے.
बिल्कुल गर्म पानी ज्यादा जल्दी फ्रीज होता है, घर जाके जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। एक बाउल में ठंडा रखिएगा, एक में गर्म, और गर्म जो है वो जल्दी फ्रीज होगा। क्या सुनाएंगे? मेरे अपना सॉन्ग है, मैं अपने गाने तैयार करता हूँ, लेकिन आज तक आगे नहीं बढ़ सका। बड़ी कोशिश की फिल्म लाने के लिए। क्यों नहीं बढ़ सका? क्योंकि मैं अगर जाता था शानो स्टूडियो वगैरह में, तो वो पैसे वगैरह पहले मांगते थे, पेमेंट वगैरह। यानी कि अगर मुझे एक शाह जी हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा था जी आप फिल्म में अगर शान का रोल, शान के भाई का रोल करना है आधी फिल्म में, तो 50,000 रुपया ले आओ। तो फिर इस वजह से जो लो क्लास के जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंट भी होता है, इसके लिए मैंने डांस भी सीखा है, कराटे भी सीखे हैं, ताइक्वांडो, ब्लैक बेल्ट तक मैं रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आगे, यानी कि मॉडलिंग वगैरह मैंने की थी 3-4 मरतबा मैंने की थी, 5,000 रुपया 10,000 रुपया दे देते हैं, उसके बाद मैं यानी कि आगे बढ़ ही नहीं सका। तो कोशिश मेरी यही है कि अल्लाह करे कि अभी कोई ना कोई चांद बन जाए। उसके बाद मैंने गाने अपने बनाए हैं, पंजाबी भी उर्दू भी, तो वो मैं अगर पेश करना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर गाएं, और आपको आज ज़रूर मौका मिलेगा, और ये प्रोग्राम जो है वो बहुत मशहूर है, तो यकीनन लोग आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काली चुन्नी लेके गोरे गोरे मुखते तू आशिकानू लुट दी फिरे, तू आशिकानू लुट दी फिरे, हसा कुंड विचो निमा निमा हसके दिलां ते डोरे सुट दी फिरे, दिलां ते डोरे सुट दी फिरे, तू आशिकानू लुट दी फिरे, काली चुन्नी लेके गोरे गोरे मुखते, मिट्टी चुन चुन रब ने तेनू रीजा नाल बनाया है, सोनी ससी ही जई ते जरा फर्क ना पाया है, हो जो काली चुन सॉरी मिट्टी चुन चुन रब ने तेनू रीजा नाल बनाया है, सोनी ससी ही जई ते जरा फर्क ना पाया है, काली चुन्नी दा कोने दा पला वटके दंदा दे थले कुट दी फिरे, दंदा दे थले कुट दी फिरे, तू आशिका नू लुट दी फिरे, काली चुन्नी लेके गोरे गोरे मुखते। जी लिखा भी खुद है, मैंने उर्दू का एक बनाया था, आजकल की आशिकी क्या चार दिन का मेला रहा, आजकल की आशिकी क्या चार दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा हर किसी को प्यार दे, जो हसीना जान मांगे जान से तू मार दे, आजकल की आशिकी क्या चार दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा हर किसी को प्यार दे, हो रांझा मजनू जिंदा होते काश वो ये देखते, आजकल के आशिकों का प्यार है कौमी खेल रे, आजकल की आशिकी क्या चार दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा हर किसी को प्यार दे। Amazing, very nice and you are very very talented, और मैं उम्मीद करती हूँ भाई, मेरी तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे इन लोगों इन्होंने बताया कि ये कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं मगर कहीं नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ये सिफारिशों की वजह से और वो लोग जो पैसे मांगते हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली कहती हूँ शर्म आनी चाहिए, इतने अच्छे टैलेंट से आप पैसे मांगने की बजाय इनको सपोर्ट करें और खुद पैसे दें, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के सामने आ सकें। और गाइस ये जब क्लिप टीवी पे तो आप देखेंगे, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे शेयर होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल करें, ताकि इनको एक अच्छा मौका मिल सके। और आपने क्या सुनाना है? मोहब्बत सामने देखो, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार, मैं तेरे हाथ से गुजर जाना, जितना प्यार किसी से पहली बार आया है, क्यों एक पल की फिर जुदाई सही जाए ना,
क्यों आसपासों मेरे साथों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार मैं इतनी रात गुजारे ऐसा तेरे बिना कैसे बताऊं जज्बाज तेरे मैंने तुझसे भी ज्यादा पहली बार आए आज की रात न जाना तू सावन आया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया सब सच पक तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजारी जान जितना प्यार किसी से पहली बार आया है जीवा पूरा गाना याद किया हुआ बड़े लाइक हैं आप और आप आपको तो शर्म मानी आपने भी सुनाना है अले लाओ अले का यार या रसूल अल्लाह सलीम अले का यार हबीब अल्लाह मौला मेरा बिगड़ होवे उठे अलमा दिछावे मौला मेरा बिगड़ होवे उठे अलमा दिछावे मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर से जाना है हसन मौला ददस खान मैं मेरे विशेष जाना है कुआवा मैं जिते लंगर कोई ऐसी बिताओवे मौला मेरा बिगड़ होवे उते अलमा दिछावे वेरी वेरी नाइस बेटा माशाल्लाह आप लोग सारे बहुत टैलेंटेड हैं लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू मैम थैंक यू जी बहुत मज़ा आया हमने इनसे बात की और जैसे इन्होंने अपनी एक अपना एक मसला शेयर किया कि इनको कहा गया कि आप जो है हम आपको रोल देंगे फलां बंदे का आप जो है इतने पैसे दे दें अगर उस पहली बात है ये बहुत ही घटिया बात है हाँ अगर तो वो टैलेंटेड है तो फिर तो आप उसको पैसे लेने की बजाय दें और उसको बहुत अच्छा मौका दें और अगर वो टैलेंटेड नहीं है तो चाहे वो आपको हज़ार या लाखों में भी दे तो आप उसको छोड़ें और उस बंदे को मौका दें जो टैलेंटेड है टैलेंट की बुनियाद पर आगे आएं गलत कामों करके या गलत तरीक़ों से जो आप आगे आएंगे तो आप ये बात याद रखें आप वापस भी उतनी तेज़ी से गिरेंगे सो हमेशा सही रास्ता इख्तियार करें जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का सो लेट्स हैव अ ब्रेक